हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं दिखाने वाला हूं आपको लाइव विड्रॉ $1500 का फ्रॉम आई की ऑप्शन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ईच एंड एवरी कमेंट जो है मैं रीड करता हूं, और जो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, या जो क्वेरीज ऐसी होती हैं जिनका आंसर देना जरूरी मैं समझता हूं, तो डेफिनेटली उस पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। जैसा आपको पता है, पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है, $700 का विड्रॉ मैंने वहां पे आपको दिखाया है ऑल इन ट्रेड से, जो कि एक छोटी अमाउंट बिल्कुल नहीं है। आज जो मैं दिखाने वाला हूं वो है $1500 का विड्रॉ, क्योंकि वो थोड़ा और डबल मैंने विड्रॉ ले लिया है आईक्यू ऑप्शन से। कुछ ही दिन पहले प्रोसेस किया था मैंने, और लगभग एक दिन के अंदर अंदर मेरे स्क्रिल अकाउंट में आ गया था। स्क्रिल में तो कुछ ही घंटों में आ गया था, एंड देन मैंने जो है उसको सेल आउट करके मेरे पेटीएम बैंक में उसे विड्रॉ ले लिया। तो ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, मजा जरूर आएगा यार। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और एक इंपॉर्टेंट नोटिस या न्यूज समझ लीजिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि यार कुछ कमेंट्स हैं जिनमें अपस्टॉक्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट एग्जैक्टली उन्हें यह नहीं पता कि कौन सा ब्रोकर जो है वो बेस्ट रहेगा फॉर दिस। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपस्टॉक्स में, तो मैं बताना चाहूंगा डेफिनेटली ये ट्रस्ट वर्दी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊँ, एक एग्जांपल सेट करने की बात करूँ, तो हमारे जो लीडिंग बिजनेसमैन है जिनका नाम है टाटा, रतन टाटा, तो उन्होंने भी यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अपस्टॉक्स की। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग अपस्टॉक्स, कमेंट करके भी आप जरूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी दूंगा, वहां से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि फिलहाल में बतानी जरूरी है, और अभी इनका लिमिटेड ऑफर है, वो ये कि यहाँ पे आपको मिल रहा है ₹500 का फ्लिपकार्ट वाउचर, जिसे आप शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे या फ्लिपकार्ट के ऐप की मदद से। दूसरी जो चीज है वो ये, अगर आप अभी यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो डिमेट अकाउंट आपका खुलता है बिल्कुल शून्य बैलेंस पे, यानी बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यार अकाउंट खोलने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है आपका, डिमेट तो बिल्कुल फ्री में खुलेगा, आपको ₹1 देने की जरूरत नहीं है, प्लस ₹500 का वाउचर मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो फ्लिपकार्ट का वाउचर जो है आपको फ्री में मिल रहा है 500 का, तो यार क्यों ऐसा मौका जो है जाने देना अपने हाथ से, जरूर जाइए। बाकी ट्रस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो रतन टाटा जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करते हैं, वो भी यहाँ पे मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ट्रस्ट वर्दी तो ये है। और इसीलिए काफी सारी क्वेरीज हैं वो इससे रिगार्डिंग मेरे से पूछी जाती हैं कि सर ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, अपस्टॉक्स जो है यहाँ पे हम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आईक्यू ऑप्शन में लेके जाता हूं, और यहां पे आप चेक कर पा रहे हैं 5 तारीख को, यानी 5 नवंबर को यहां पे आपको विड्रॉ दिख रहा होगा $1558 का। ये जो है मैंने आपको दिखाया है, अब आपको मैं स्क्रीन में दिखाता हूं, तो यहां पे देख पा रहे होंगे 6 नवंबर को मुझे जो है विड्रॉ रिसीव हो गया था मेरे स्क्रीन अकाउंट में। आप चेक कर पा रहे हैं एग्जैक्टली, तो यहां पे ये जो स्क्रीन अकाउंट में मेरे पास विड्रॉ आया था, ये क्या किया मैंने, इसको सेंड किया हमारे लोकल डीलर्स के पास में, और लोकल डीलर्स ने ये जो अमाउंट है वो मुझे पेटीएम बैंक में सेंड की। अगर मैं इसको बैंक के थ्रू प्रोसेस कराता तो इसमें 3 से 4 दिन का प्रोसेस है, टाइम लग जाता, तो डेफिनेटली इसीलिए मैं लोकल डीलर के पास गया और उनसे जो है अमाउंट जो है ट्रांसफर करवा ली। आप भी अगर किसी लोकल डीलर को जानते हैं तो डेफिनेटली आप वहां से भी प्रोसेस करवा सकते हैं अमाउंट, अदरवाइज आप जो है डेफिनेटली अपने बैंक में भी विड्रॉ ले सकते हैं, लेकिन स्क्रिल से छोटी अमाउंट का विड्रॉ लें डेफिनेटली, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं। अगर $1500 का विड्रॉ लेते हैं तो यार एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, वो ये अगर आपको बैंक से कॉल आता है तो डेफिनेटली आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो पेमेंट है वो यहां से आ रही है, और ये सब उसमें कोई इशू नहीं है। आप हमेशा इस चीज़ को बड़ी बनाने की कोशिश मत करना कभी, इस चीज़ में कोई इशू नहीं आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे आप डेफिनेटली ये मत सोचो कि यहाँ पे बैंक आपको कोई प्रॉब्लम करेगा, आपके अकाउंट में डेफिनेटली पैसा आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़े विड्रॉ अगर आप लेते हो तो वहाँ पे बस आपको बैंक के ब्रांच मैनेजर से जाके एक बार विजिट करना होता है, मिलना होता है, रीज़न बताना होता है, दैट्स इट।
एक शायद शायद ऐसा हो सकता है कि एक फॉर्म भी फिल करना पड़े, दैट्स इट। लेकिन अगर आप 400, 500, 600, 700 तक के विड्रॉल हो गए तो उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक स्टैंडर्ड में जाने के लिए, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो मैंने सेट किया है, $300 का विड्रॉल हो किसी भी बैंक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो बिल्कुल, और ये चीज़ मुझे लगता है आपको करनी भी चाहिए। इतने का अगर आप विड्रॉल होगे तो बिल्कुल आपको इश्यू नहीं आने वाला। और नॉर्मली भी अगर आप बड़े जैसे $1500 के विड्रॉल होगे तो जनरली मैंने देखा है प्रॉब्लम्स आपके नहीं आती है, बट अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो बस सिंपली कुछ नहीं करना भैया। अगर आपको बैंक से कॉल आता है तो बता दीजिए कि आपका यहाँ से पैसा आया है, क्योंकि यार इतना बड़ा अमाउंट अगर आपका बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, तो इनको जो बैंक के मैनेजर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, इनको एक रिटर्न स्टेटमेंट में बताना पड़ता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और क्यों आ रहा है, दैट्स इट। तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप बेधड़क होकर बता सकते हो कि मैंने आई के ऑप्शन में इन्वेस्ट किया था, वहां से मैंने विड्रॉ लिया है और वहां से ये जो अमाउंट है वो मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ है। बस इतना सा आपको वहां पर बताना है डेफिनेटली, और कुछ वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने क्यों किया या क्यों नहीं किया। डेफिनेटली इतना तो आप ट्रस्ट कीजिए, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसीलिए मैं आपको कहता हूं, लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि बड़े बड़े विड्रॉ लेके दिखाओ। यार बड़े विड्रॉ लेके दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली मैं प्रेफर नहीं करता ज्यादा बड़े विड्रॉस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से किसी को बैंक जाना पड़े, कोई प्रॉब्लम हो, इधर उधर घूमना पड़े। सीधा जितना सिंपल हम समझा सकते हैं उतना सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों यार उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आई होगी। $1500 का विड्रॉ आपने जरूर देखा होगा, मजा आया होगा और काफी सारे डाउट्स आपके जरूर क्लियर हुए होंगे यहां से। और यार उम्मीद करता हूं कि लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब आपने अभी तक चैनल को कर दिया होगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना आने वाले टाइम में लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए। दूसरी एक और चीज बता देता हूं भैया, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो यार अभी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अगर वहां पे नहीं होगे तो सीरियसली बहुत कुछ मिस करोगे। चलिए गाइस यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ।